हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सारंग धोटे। वेलकम टू द वर्चुअल क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन द एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिकल वेव इक्वेशंस एंड व्हाट इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। Now, in previous lecture we discussed the Heisenberg uncertainty principle and what is the de Broglie's hypothesis. By using both these hypotheses, that is de Broglie's hypothesis and Heisenberg uncertainty principle, today we are going to derive the various equations that usme se sabse pehla dekhenge what is the classical wave mechanics. First one is what? The classical wave equations. There are the two types of wave, that is one running waves. For example, running waves is what? Wet water. Example of running waves is water waves. And another one is the stationary waves, that is vibrating string fixed at the two ends. Yahan par aap jo example dekh rahe is wave ka, these are the examples of what? Stationary waves. Okay, बिकॉज ये वाइब्रेट हो रही है एट द टू एंड्स, और जो दो एंड्स हैं वो फिक्स है। ओके, ये जो एंड्स होते हैं ऐसे मूव नहीं हो रहे, सो दैट दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? स्टेशनरी वेव्स। तो इलेक्ट्रॉन्स वेव इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर स्टेशनरी टाइप्स। जो इलेक्ट्रॉन्स वेव जो होती है वो स्टेशनरी टाइप की होती है, एंड इक्वेशन फॉर द स्टेशनरी वेव फिक्सड एट, ओके, फिक्सड एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड x इज इक्वल्स टू ए। इसका क्या मीनिंग होता है? इनिशियली x इज इक्वल्स टू जीरो होगा एंड a होगा, ये दो डिस्टेंस के बीच में ही आपकी वेव ट्रैवल होगी, सो दैट दिस इज द स्टेशनरी वेव्स। नाउ अभी यहाँ पर जो इक्वेशंस होता है वो इस टाइप से होगा, डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस फोर पाई स्क्वायर डिवाइड बाय लैम्बडा स्क्वायर साई। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। दिस इज व्हाट? इक्वेशन नंबर वन। दिस इक्वेशन नंबर वन इज नोन एज द क्लासिकल, इज नोन एज द क्लासिकल और साइनोसॉइडल वेव इक्वेशन। ओके, वेव इक्वेशन वेयर द बाउंड्री कंडीशन आर, बाउंड्री कंडीशन इज साई इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल्स टू ए, दीज आर द कंडीशंस। द जनरल सोल्यूशन, ओके, द जनरल सोल्यूशन दैट इज फॉर वेव फंक्शन साई इज गिवन बाय साई इज इक्वल्स टू ए साइन 2 pi x divided by a lambda plus b cos 2 pi x divided by lambda. This is equation number 2, where a and b, ये जो है a और b जो है both are constant, both are what? Constant, both are constant and lambda is the wavelength, and lambda is the wavelength. Okay, now when x is equals to 0 and psi is also 0, then what we are getting here? 0 is equals to a sin 2 pi, okay, 2 pi 0 divided by lambda plus b cos 2 pi into 0 divided by lambda। अगर आप complete solve करोगे तो आपके यहाँ पर क्या मिलेगा? 0 is equals to a into 0 plus b into 1, and so that b is equals to
जीरो, ओके बी इज इक्वल्स टू वॉट जीरो। अब ये जो बी की जो वैल्यू आई है जीरो वाली, तो यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ, ओके पुट इक्वेशन नंबर टू में अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, साई इज इक्वल्स टू दैट इज ए साइन टू पाई एक्स डिवाइड बाय लैम्डा। सो दिस इज द कंडीशंस व्हेन द x इज इक्वल्स टू जीरो एंड साई इज इक्वल्स टू जीरो, तो उस समय क्या होगा, तो ये रही उसकी कंडीशन। दिस इज द रिगार्डिंग व्हाट द क्लासिकल वेव इक्वेशन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस लास्ट वाला इक्वेशन जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद नेक्स्ट जो आया है तो दैट इज ए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इन 1926 श्रोडिंगर एंड ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस आइडिया इन्होंने यूज किया था और उन्होंने एक नया वेव इक्वेशन डेवलप किया है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक वेव, ओके। और ये जो नया इक्वेशन जो आया है इट कैन डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन्स एज अ 3D स्टैंडिंग वेव्स एज वेल एज द वन डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल और वन डायमेंशनल अगर होगा तो उसका भी उन्होंने वेव इक्वेशंस डिराइव किया थे। तो देखते हैं वेव इक्वेशंस किस टाइप से डिराइव किया था। सबसे पहले श्रोडिंगर प्रपोज्ड दैट द इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वेवलैग के नेचर होते हैं, तो दैट मीन्स इट शुड ओबे द क्लासिकल वेव इक्वेशन जो अभी देखा आया मोशन ऑफ, ओके एज दैट ऑफ अदर वेव्स। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आइडिया ही डिराइव्ड द इक्वेशन विच डिस्क्राइब द वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इज नोन एज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और वो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है वो कौन सा होता है, देखो यहाँ पर डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाय डी वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाय डी जेड स्क्वायर प्लस एट पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाय एच स्क्वायर ई माइनस मी पाई इज इक्वल्स टू व्हाट जीरो। और ये जो पूरी टर्म है इसको मैं एक ऑपरेटर में यूज़ करूँगा, वन ऑपरेटर जिसको बोला जाता है लेप्लियंस का लेप्सियन का ऑपरेटर्स। तो देखेंगे अगर वो अगर मैं यूज़ करता हूँ, दिस इज अ डेल, ओके डेल स्क्वायर साई प्लस एट पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाय एच स्क्वायर ई बाय वी साई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। सो दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये जो होते हैं दोनों, ये दोनों भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होते हैं। वहाँ पर बात करेंगे साई इज इक्वल्स टू व्हाट वेव फंक्शन, साई इज इक्वल्स टू व्हाट वेव फंक्शन होता है। वेयर एज द ई इज इक्वल्स टू जो होती है, ये जो ई है ई वाली, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज व्हाट टोटल एनर्जी ऑफ व्हाट इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वी, दिस वी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ व्हाट इलेक्ट्रॉन। देन एम स्मॉल एम, दिस स्मॉल एम इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस एच इज इक्वल्स टू द प्लैंक कॉन्स्टेंट। एच इज इक्वल्स टू व्हाट प्लैंक कॉन्स्टेंट, एंड दिस डेल, ओके डेल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पर डी स्क्वायर डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाय डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाय डी जेड स्क्वायर। ये यूज किया यहाँ पर डेल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एंड विच इज नोन एज लैप्लासियन ऑपरेटर्स, इसको बोला जाता है लैप्लासियन ऑपरेटर्स बोला जाता है। सो दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन बी यूज इन वेरियस ऑर्डर, वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल, वी विल सी वन बाय वन हियर। इफ सपोज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वन डायमेंशन के लिए यूज करना है तो सो दैट फॉर दैट वी आर यूजिंग द वेव मोशन ऑफ अ वेव ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग इक्वेशन साई इज इक्वल्स टू
ए साइन 2 पाई एक्स डिवाइड बाय लैम्डा, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, वेयर द दिस वन साइन इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, नथिंग बट द वेव फंक्शन. ओके, नाउ ए इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, x small x is equals to displacement, small s is equal to what? The displacement of a wave along x axis, and lambda is equals to wavelength of the wave, wavelength of the wave. Differentiating equation. Okay, differentiating equation number one with respect to x. Okay, equation number one को क्या करेंगे? Differentiate करेंगे with respect to x. तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर? d psi divided by dx is equals to 2 pi x divided by lambda cos 2 pi x divided by lambda. So after the differentiating, we are getting this equation. This equation number is 2. Okay, this is, we can call it as equation number 2. Now, again we have to differentiate the equation number 2. Then what we are getting? Double differentiation. The del square psi divided by dx square is equals to minus 2 pi divided by lambda square a sin 2 pi x divided by lambda is equals to minus 4 pi square divided by lambda square psi, or we can write it del square psi divided by dx square plus 4 pi square psi divided by pi square is equals to 0. This is equation number 3. Now, since the electrons and the atom can be described as a standing wave around a nucleus, okay, standing wave hogi around a nucleus, so classical equation number 3, which describe the wave motion of any particle vibrating along the x direction, should be applicable to the standing wave of an electron. इसका क्या मतलब होता है तो अच्छे से समझ लो. यहाँ पर जो अभी आपने जो इक्वेशन निकाला है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स जिस जो वेव फॉर्म में रन हो रहा है, वी आर कंसिडरिंग ओनली वो एक्स एक्सिस पर ही है. एक्स एक्सिस पर, दैट मीन्स सिंस हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली वन डायमेंशन, एक्स एक्सिस डायरेक्शन के बारे में ही सोच रहे हैं, तो आपको जो इक्वेशन नंबर 3 रहेगा वो डिस्क्राइब करेगा. नेक्स्ट उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे. अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, we know that the lambda is equals to h divided by mu. तो आप lambda की जगह पर mu की वैल्यू आप रख सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा फिर? d square psi divided by dx square plus 4 pi square m square mu square divided by h square psi is equals to 0. This is equation number 4. Now, द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी गिवन बाय, आप कैलकुलेट कर सकते हो. इलेक्ट्रॉन्स के कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है दैट इज़ अ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो सो दैट काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? हाफ एम म्यू स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी वी. ओके, सो दैट इसको मैं सिंप्लीफाई अगर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ट्वाइस ई माइनस वी इज इक्वल्स टू एम यू स्क्वायर. तो एम स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस एम ई माइनस वी, लिख सकता हूँ मैं इस टाइप से. तो ये जो वैल्यू है एम यू स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? इक्वेशन डी स्क्वायर साई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाय
एच स्क्वायर ई माइनस वी, ई माइनस वी, ओके ई माइनस वी साइन इज इक्वल्स टू जीरो। वन मिनट, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। चलो, तो यहाँ पर अभी आ गए हम। तो ये वाला जो इक्वेशंस मिला है आपको, लास्ट वाला, दिस वन, दिस इज, यही आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये है आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल। दैट मीन्स श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑफ अ वेव मूविंग इन द वन डायमेंशनल, दैट मीन्स एक ही एक्सिस पर वो घूम रहा है। तो आपने अभी तक जो सॉल्व किया है, तो आप अगर देखोगे इस केस में, तो आपने डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ तक आपने सॉल्व किया। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी एक्स एक्सिस पर ही घूम रहा है, दैट वी आर कंसिडरिंग हियर, ओनली वन एक्सिस। अभी जो है नेक्स्ट, इफ सपोज आपका थ्री डायमेंशंस में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, दैट मीन्स वो एक्स एक्सिस पर भी है, वाई एक्सिस पर भी है एंड जेड एक्सिस पर भी है। जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वो अगर सपोज तीनों भी एक्सिस पर अगर है, तो उस समय किस टाइप से इक्वेशंस रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, अगर मैं वन बाय वन अभी से को आपने एक्स एक्सिस के लिए निकाला है, फिर मैं वाई एक्सिस के लिए लिखूँगा, फिर मैं जेड एक्सिस के लिए लिखूँगा, सिर्फ यहाँ पर एक्स के जगह पर, ये जो है एक्स के जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, वाई जेड, इस टाइप से सिर्फ एक्सिस ही चेंज होंगे। तो यहाँ पर अभी इस वाले केस में देखो, फॉर अ थ्री डायमेंशनल अगर मैं कंप्लीट अगर सॉल्व करता हूँ, ओके कंप्लीटली अगर मैं सॉल्व करता हूँ, तो देखेंगे सपोज डी स्क्वायर साई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डिवाइड बाय डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डिवाइड बाय डी जेड स्क्वायर प्लस एट पाई एम एट पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाय एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। अगर मैं इस टर्म को इससे शो करूँगा, डेल स्क्वायर, ओके डेल स्क्वायर साई प्लस एट पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाय एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इज इक्वल टू जीरो, ओके नाउ इक्वेशन नंबर ये वन है, इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। मैं इक्वेशन नंबर टू को ऐसा भी लिख सकता हूँ थोड़ा सा अरेंज करके, दैट इज माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाय एट पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी इंटू साई इज इक्वल्स टू ई साई, ओके दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर थ्री इज देयर। नाउ इफ सपोज अभी मैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर यूज करता हूँ, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, नाउ आई एम यूजिंग द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर यानी क्या होता है, एच इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर एट एम पाई स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस वी, इसके जगह पर मैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर दैट इज एच यूज करूँगा, तो फिर मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, एच साई इज इक्वल टू ई साई एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर फोर, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर फोर। ये जो इक्वेशन नंबर फोर है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट द थ्री डायमेंशनल, अगर इलेक्ट्रॉन्स की अगर मूवमेंट, अगर वेव मोशन की अगर मूवमेंट हो थ्री डायमेंशंस में होंगी, तो इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देता है बाय यूजिंग दिस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। नाउ यहाँ पर आपका जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का शॉर्ट्स टर्म्स जो है ख़त्म हो चुकी है। अभी कुछ कंसेप्ट पढ़ना है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में, कुछ कंसेप्ट जो है आपने ऑलरेडी एटॉमिक कंसेप्ट पढ़ा है, तो फिर भी देखते हैं यहाँ पर कंसेप्ट क्या होता है। ओके एक टर्म होती है
द एटॉमिक ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ द वेव मैकेनिक्स इज डिफाइंड द रीजन और स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस हैविंग द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमते रहते हैं, बट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंडिंग की कहाँ देख सकते हो? तो उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया है. फार्मूला इज कैपिटल साई इज इक्वल्स टू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर कैपिटल टी इंटू थीटा एफ इंटू थाई. ओके, दिस वन इज द थाई. तो क्या बोलते हैं ये जो होता है इसको बोला जाता है द रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ अ साई विथ आर क्वांटम नंबर एंड एन एल. वेरिएशन ऑफ अ साई, साई की जो वैल्यू है वो वेरी होगी विथ आर. विथ मीन्स आर डिस्टेंस जो है उसके हिसाब से विथ क्वांटम फॉर क्वांटम नंबर्स एन एंड एल. दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए रहेगा. ये जो होता है जिसकी उस द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. दूसरा जो होता है टी थीटा, ये जो होता है टी थीटा रिप्रेजेंट द वेरिएशंस वेरिएशन ऑफ अ साइन विद थीटा जिसको बोला जाता है जेनिथ एंगल. वेरिएशन जैसे ऐसे साइन चेंज होगा विद थीटा जिसको जेनिथ एंगल बोला जाता है तो उसके रिलेटेड होगी ये वैल्यू. एंड यहाँ पर क्वांटम नंबर यूज होता है एल एंड एम. यहाँ पर कौन सा क्वांटम नंबर यूज होगा? एल एंड एम. एंड लास्ट वन इज द एफ थाई. ये जो होता है थाई बोला जाता है इसको, या फिर कैपिटल थीटा. यहाँ पर भी रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ अ साई, वेरिएशन ऑफ अ साई विथ कैपिटल थीटा और क्वांटम नंबर यहाँ पर जो यूज होने वाला है वो है एम. कौन सा यूज होगा? एम. ओके, एंड ये जो होता है इसको बोला जाता है, इस एंगल को बोला जाता है एजीमुथल एंगल. इसको क्या बोला जाता है? एजीमुथल एंगल बोला जाता है. तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द क्वांटम नंबर स्मॉल एन एंड स्मॉल एल, वेयर एज दिस वेरिएशंस ऑफ टी इज डील्स विद द क्वांटम नंबर एल एंड एम. वेरिएशंस ऑफ द एफ इज डील्स विद द क्वांटम नंबर एम. रिमेंबर दिस थिंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे ही आ सकता है. सबसे पहले देखेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. ओके, द रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शंस डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस आर. ये जो डिस्टेंस होता है आर, ओके, आर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम अ न्यूक्लियस. ओके, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूक्लियस उसको स्मॉल आर से डिपेंड करेंगे. ओके, उसके बाद होता है एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस. ओके, एंगुलर, ये दोनों भी जो होती है यहाँ पर एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बोला जाता है इसको. ये जो होती है एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, ये डिपेंड होता है स्पेस के ऊपर. अभी देखो, एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एनी गिवन डायरेक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस. ओके, दैट मीन्स यहाँ पर जो है ये जो तो एंगुलर प्रोबेबिलिटी है ये किसी भी डायरेक्शंस में आपको इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग करने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है. उसके लिए डिस्टेंस कोई मैटर नहीं होता है, दिस इज नॉट डिपेंड अपॉन द मैटर. बट ये जो है रेडियल, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड होता है. ओके, सो दिस आर दिस नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी. अभी ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या हो सकता है यहाँ पर. तो यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एस ऑर्बिटल जो होता है, ओके, एस ऑर्बिटल, उसका जीनिथ एंगल दैट इज अ थीटा इज जीरो होता है एंड एजीमुथल एंगल दैट इज कैपिटल थीटा ये भी जीरो होता है. दैट मीन्स इट नॉट डिपेंड अपॉन दिस एस ऑर्बिटल इज नॉट डिपेंड अपॉन दैट इज जीनिथ एंगल एंड एजीमुथल एंगल. ओके, सो दैट इसका जो शेप होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है. ओके, लाइक दैट.
जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये अगर मैं सपोज़ पी ऑर्बिटल की बात करता हूँ, फॉर पी ऑर्बिटल, इन केस ऑफ पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल जो होता है इट डिपेंड्स ऑन बोथ एज जीनिथ एंगल के ऊपर भी ऊपर डिपेंड होगा एंड एजीमुथल एंगल के ऊपर भी डिपेंड होगा। सो दैट पी ऑर्बिटल के तीन ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ओके, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो अगर मैं पी एक्स की अगर डायग्राम निकालता हूँ, देखो ये है आपका जेड एक्सिस, दिस वन इज द वाई एक्सिस, दिस वन इज द एक्स एक्सिस, तो इस टाइप से रहेगा। तो यहाँ पर जो नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन जो रहेगा वो रहेगा वाई जेड, बिकॉज नोडल प्लेन मीन्स व्हाट, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी। ध्यान में रखना, नोडल प्लेन मीन्स व्हाट, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी। तो वाई और जेड में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, बिकॉज इसे पी ऑर्बिटल के लोब्स किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है। सो दैट नोडल प्लेन क्या रहेगा, वाई जेड। लाइक दैट अगर मैं पी वाई की अगर बात करता हूँ, तो पी वाई का लोब इस टाइप से रहेगा, दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो नोडल प्लेन कहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मुझे नहीं मिल सकते, तो दैट इज जेड एक्स या फिर एक्स जेड। दूसरा देखेंगे पी जेड, पी जेड ऑर्बिटल इस टाइप से है, रहेगा जेड एक्सिस पर है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर नहीं मिलेंगे मुझे, नोडल प्लेन कहाँ पर होगा, y और x में होगा। ध्यान में रखना, नोडल प्लेन मीन्स व्हाट, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रहेगी उसको बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया। अभी लास्ट वाला जो ऑर्बिटल बचा है वो है आपका कौन सा, p ऑर्बिटल। ध्यान में रखना, s ऑर्बिटल इज नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट, एंगल, इसलिए एजीमुथल क्वांटम, एजीमुथल एंगल और जीनिथ एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं है। बट अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूँगा तो डिपेंड होगा किसके ऊपर, एंगल्स के ऊपर। नाउ d ऑर्बिटल, इन केस ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल इज डिपेंड अपॉन द बोथ, इट डिपेंड्स ऑन जीनथ एंगल एंड एजीमुथल एंगल। तो फिर यहाँ पर आपको कौन से शेप मिलेंगे, आपको मिलता है डी एक्स वाई, इट इज अ डबल डंबल शेप। सपोज दिस इज अ वाई एक्सिस एंड दिस वन इज द एक्स एक्सिस, ये इस टाइप से रहा, तो इसको बोलेंगे हम डी एक्स वाई। दूसरा है मेरे पास वाई जेड, एक्स एक्सिस यहाँ पर है, तो ये इस टाइप से इसको बोलेंगे आप डी वाई जेड बोलोगे आप इसको, अगर इस टाइप से रहा तो जेड वाई एक्स, तो आप इसको क्या बोलोगे, जेड एक्स। ओके, दूसरा देखो, अभी इस टाइप से अगर होगा, फॉर एग्जांपल एक्स एंड दिस वन इज द वाई, तो इनको बोला जाता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक लास्ट वाला जो होता है एक्स वाई जेड, ये इस टाइप से इसको बोला जाता है डी जेड स्क्वायर। तो रिमेंबर दिस थिंग, द डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड लाइज इन द प्लेन ऑफ देयर लोब्स, लाइज इन द प्लेन विथ देयर लोब्स इन द बिटवीन द एक्सिस। लोब्स यानी कौन से, ये वाले लोब्स जो है वो, इनको लोब्स बोला जाता है, ये वाला पोर्शन। ओके, ये उनके एक्सिस के ऊपर होते हैं। वेयर एज द टू लोब्स, the lobes of the two d orbitals, okay, lies along the axis, okay, ध्यान रखना, ये वाले जो तीन है ना, ये in between axis है, इनके lobes दोनों axis के बीच में है ये lobes, whereas ये जो दो है ये axis के ऊपर ही है, इनके lobes कहाँ पर है, axis के ऊपर ही है। so with the help of this wave theory, with the help of this wave equations, यहाँ पर आपके पास आज d orbital के shapes, उनकी properties आज है। सभी लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, ये भी एंड हो चुका है। सो थैंक यू। अगर कुछ डिफ़िकल्टीज़ है तो आप डिफ़िकल्टीज़ आप मुझे
पूछ सकते हो वाया व्हाट्सएप वाया सब कुछ। तो यहीं पे रुक जाते हैं। ओके, आप मल्टीपल टाइम्स में इस क्लास को आप सुन सकते हो। थैंक यू।